उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। अनूपशहर कोतवाली के पगौना गांव में सोमवार रात को दो साधुओं की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में विस्तृत आख्या देने और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मामले में एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। यहाँ पर दो बाबा, एक मंदिर है जिसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के दो बाबा रहते थे, और इसी मंदिर पर भी गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुरारी उर्फ राजू है, जो आता जाता था, भंगेड़ी है, बहुत ज़्यादा भांग पीने का आदि रहा है। दो तीन दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था, जिसमें बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पर कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी, जिसके आधार पर इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से उन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गांव के लोगों ने इसको गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी से वन संवाददाता अमरीश मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, जो संकीर्ण मानसिकता है कुछ लोगों की, वहां पर महाराष्ट्र में बीते दिनों ऐसी ही घटना देखने को मिली और अब यूपी में भी इस प्रकार की घटना काफी दिल दहलाने वाली, क्या कारण है इस घटना के पीछे और क्या कहेंगे आप? जी जयती, सबसे पहले तो बता दूं, जिस तरह से दो साधुओं की हत्या हुई है उससे लोगों में भी बहुत ज्यादा आक्रोश है, लेकिन ग्रामीणों ने जो हत्यारोपी था जिसका नाम मुरारी बताया जा रहा है उसको पकड़ भी लिया है, और पकड़ने के बाद गांव वालों ने भी उसे काफी मारा पीटा, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। जैसा कि हम गांव वालों से और एसएसपी से जब हमने बात की तो जो हमारे संज्ञान में मामला आया वो ये था कि एक दिन पहले ही उस आरोपी ने मंदिर से एक चिमटा चोरी कर लिया था। उस चिमटे को चोरी करने के बाद साधुओं ने, जब साधुओं को पता चला तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर थोड़ा सा डांटा था, जिससे वो व्यक्ति शुद्ध था थोड़ा सा जी। और कल रात जब वो उसने बोला कि वो भांग खाने के बाद नशे में आ गया था जी। तो नशे के बाद उसने बोला कि उसने ये हरकत की है। फिलहाल पुलिस प्रथम दृष्टया तो यही मान रही है कि उस व्यक्ति ने ही हत्या की है, और ग्रामीण भी जिस तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों को भी इस घटना के बारे में पता था कि उसने चिमटे को चोरी किया है, तो इस पे कोई बहुत ज्यादा वो बात नहीं है कि कुछ और मामला है। प्रथम दृष्टया यही मामला सामने आ रहा है, लेकिन सीएम योगी ने इस घटना को संज्ञान में लिया है कि किस तरीके से इस व्यक्ति की हत्या की गई है दो साधुओं की, इस व्यक्ति के द्वारा, और व्यक्ति भी थोड़ा सा शत विक्षिप्त बताया जा रहा है, और फिलहाल पुलिस ने उसको नग्न अवस्था में पकड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो नशे की हालत में था, कुछ इतना ज्यादा था कि वो शुद्ध था उस कल वाली डांट से। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अमरीश। सीकर के लक्ष्मणगढ़ स्थित